हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट लेंस। सो बेसिकली लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो कि बाउंडेड होता है दो स्फेरिकल सरफेसेस से, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं वन स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए और दूसरा जो मीडियम है वो एक प्लेन सरफेस होता है। फॉर एग्जांपल, एक इस तरीके से प्लेन सरफेस हो, मीडियम हो, और दूसरा हमारे पास इस तरीके से स्फेरिकल मीडियम हो। सो लेंस को फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट, जैसे कि कहा है कि दो स्फेरिकल सरफेस होने चाहिए। सो एक होता है हमारे पास कनकेव लेंस, अनदर वन इज कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस के केस में जो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं वो इस तरीके से बाउंडेड होती हैं, और कन्वेक्स लेंस के केस में दो स्फेरिकल सरफेस इस तरीके से बाउंड होती हैं। अगर हम कनकेव लेंस का केस देखें सबसे पहले, सो दिस इज़ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, और जब इस सर्कुलर को हम पूरा करेंगे या इस स्फीयर को हम कंप्लीट करते हैं तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C1 से डिनोट कर रहे हैं। एंड सेकेंड मीडियम इज़ दैट, इसके लिए जो सेंटर कर्वेचर होगा विच इज़ डिनोटेड बाई C2। एंड द पॉइंट जहाँ पे एक लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 दोनों को पास आउट कर रही है, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इन दिस केस, जो कनकेव लेंस है हमारे पास उस केस में तो ये हो गया, और कन्वेक्स लेंस के केस में भी यही होना है। दिस इज़ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जब इस स्फीयर को कंप्लीट करेंगे हम, सो दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। एंड सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, तो इसके लिए जो सर्कल कंप्लीट होगा, ये इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा विच इज़ डिनोटेड बाय C2। सो लाइन जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, पास आउट हो रही है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो डायामीटर होगा, जिसको मैं MM से डिनोट कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। दिस इज़ कॉल्ड अपर्चर, अपर्चर ऑफ द लेंस। और अपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं O से। कहीं कहीं बुक में इस पॉइंट को C से भी डिनोट किया गया है। दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है विच इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 से डिनोट किया, और यहाँ पे इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2 से डिनोट किया। सो कनकेव लेंस के केस में भी और कन्वेक्स लेंस के केस में भी हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल F2 से, और इस साइड में डिनोट कर रही हूँ कैपिटल F1 से, विच इज़ कॉल्ड फोकस ऑफ द लेंस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल F से। सो इन कनकेव लेंस, इन दिस केस दिस इज F2 एंड दिस इज F1। कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जब लाइट रेज इस केस में हमारे पास इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। मान लेते हैं हम वो फोकस पे कन्वर्ज हो गई, सो दिस लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, जो कि लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा देता है। और कनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है, जब लाइट हमारी इन्फिनिटी से आ रही है तो ये अपीयर होंगी लाइक टू डाइवर्ज, और ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट रेज वापस आ रही हैं। मान लेते हैं इन्फिनिटी से लाइट रेज आई और वो इस तरीके से वर्चुअली अपीयर हो रही हैं कि वो मीट हो गई फोकस पे, लेकिन वो डाइवर्ज हो गई। सो कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। नाउ जो कि लेंस की स्टेटमेंट बोल रही है कि एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए और दूसरा प्लेन सरफेस होना चाहिए, उस केस में भी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास वो मटेरियल लेंस है, जैसे कि ये मैंने डायग्राम में बताया। सो अगर हमारे पास एक सरफेस प्लेन है और दूसरी स्फेरिकल है इस तरीके से, सो दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो अ लेंस, इसका नाम होगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसका एक पार्ट प्लेन है और दूसरा जो इसका रिफ्रैक्टिंग मीडियम है वो कन्वेक्स लेंस है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेनो कन्वेक्स लेंस का ऑलवेज भी इन्फिनिटी, हमेशा इन्फिनिटी होता है।
अगर हमारे पास एक सरफेस प्लेन है और दूसरी इस तरीके से कनकेव है, उस केस में हम बोलेंगे उसको प्लेनो कनकेव लेंस। इफ हमारे पास एक सरफेस कनकेव और दूसरी कन्वेक्स इस तरीके से है, देन वी कैन से दैट कनकेवो कन्वेक्स लेंस। सो बेसिकली लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि बाउंडेड होता है टू स्फेरिकल सरफेसेस से, लाइक दैट, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक सरफेस स्फेरिकल हो और दूसरी सरफेस प्लेन हो, लाइक दैट, देन वी कैन ऑल्सो सेट दीज आर लेंसेज। नाउ एज वी डिस्कस दैट ओ इज़ द ऑप्टिकल सेंटर, सो फॉर थिन लेंसेज, थिन लेंसेज के लिए जो कि कन्वेक्स लेंस थिन लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर इज़ अ पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इनसाइड लेंस सच दैट जो लाइट रे आएगी वो इससे पास आउट होगी अनडेविएटेड। मीन्स ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, अगर यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी, और क्योंकि फिनोमिना रिफ्रैक्शन का है तो लाइट रे वापस जाएगी नहीं। अगर कनकेव और कन्वेक्स लेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कनकेव लेंस को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो लेंसेज होते हैं जो थिकर होते हैं एट द मिडल, ये जो कन्वेक्स लेंस है थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, एंड दीज लेंसेज कन्वर्ज द लाइट रेज एट अ सिंगल पॉइंट, सो दीज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। एंड इन केस ऑफ कनकेव लेंस दीज आर थिकर एट द एजेस, एजेस से ये थिकर होते हैं जबकि मिडल से ये थिन लेंसेज होते हैं, एंड दीज डाइवर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, सो इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। सो इफ वी कंसीडर इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस सी इज़ द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस पॉइंट इज P1 एंड दिस पॉइंट इज P2, और लाइट रे आ रही है अनडेविएटेड जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, सो इट शुड बी नोटेड दैट सी नॉट नीड टू बी द सेंटर ऑफ द लेंस, इट डिवाइड द लेंस इनटू द रेशियो ऑफ टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ये वो पॉइंट है जो कि दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर के अंदर इस लेंस को डिवाइड कर देता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट वी कैन राइट इट एज CP1/CP2 इज इक्वल्स टू R1/R2, क्योंकि ये जो पॉइंट है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास इधर है C1, तो C1O ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और C2O ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये वो पॉइंट है जो कि इन दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों का रेशियो प्रोवाइड कर रहा है। और इक्वी कन्वेक्स लेंस या इक्वी कनकेव लेंस की बात करें, फॉर इक्वी कनकेव और इक्वी कन्वेक्स लेंस की जो बात करें तो हमारे पास रेडियस R1 R2 के बराबर होगा, क्योंकि इक्वी द वर्ड डिनोट्स दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि एक ही टेंस के दो मीडियम का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो इस केस में जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे देन वी हैव CP1 इज इक्वल्स टू CP2 एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। C हेयर दिस इज कॉल्ड C, जिसको ऑप्टिकल सेंटर O से डिनोट किया है। C इज द रेडियस ऑफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं OP1 इज इक्वल्स टू OP2, और इस केस में भी हम लिख सकते हैं OP1/OP2 इज इक्वल्स टू R1/R2। कई कई बुक में ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट किया गया है और किसी बुक में ऑप्टिकल सेंटर को C से भी डिनोट किया है, सो कंफ्यूज नहीं होना। नाउ प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस बोथ कंसीडर टू प्रिंसिपल फोकस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, सो इसका जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस वन इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। सो इस केस के लिए हमारे पास जो फोकस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा वो यहाँ लाई करेगा विच इज़ डिनोटेड बाय F1, एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस लाई करेगा इधर जिस विच इज़ डिनोटेड बाय F2। सो दिस फोकस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और वी कैन डिफाइन इट एट दैट इट इज़ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसकी इमेज जैसे यहाँ से लाइट रेज गई और यहाँ से जाने के बाद मीडियम में पास आउट हुई, देन लाइट रेज गोज टू इन्फिनिटी। दिस डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट F1 फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। नाउ अगर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो द पॉइंट F2 इज नोन एज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, एंड इट इज़ द इमेज पोजिशन
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ये कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे होगा और एक पॉइंट पे आके लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं, जिसको हम बोल रहे हैं F2, कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सो ये तो केस हो गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस के केस में। सिमिलरली इन केस ऑफ कनकेव लेंस, ये इसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसका जस्ट कंप्लीट स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस, एंड इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड फोकस। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव लेंस, एंड दिस इज हेयर द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव लेंस। सो बोथ द लेंसेज कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल फोकस। नाउ साइन कन्वेंशंस की बात करें, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें साइन कन्वेंशंस को कंसीडर करके चलना होता है। सो जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं दैट पॉइंट, वहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। जहाँ पे भी हमारी इमेज बनती है, लाइक यहाँ पे बन रही है इमेज और वो इन्वर्टेड बन रही है, सो ऑप्टिकल सेंटर से उस पॉइंट तक जहाँ इमेज बन रही है उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस, विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल वी। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 R2 से डिनोट किया जाता है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 C2 से। एंड जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम हाफ कर दें, विच इज़ इक्वल्स टू फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ के बराबर होगा, एंड वी कैन से दैट कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होती है फोकल लेंथ के, ये रिलेशन है। सो अगर ये इस केस में अगर कन्वेक्स लेंस में देखें या कनकेव कोई से भी लेंस में देख लो, अगर ये हमारे पास कंप्लीट स्फीयर बन गया और इसके केस में ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है एंड दिस इज F1, सो अगर हम C1 की जगह 2F1 लिख देते हैं तो भी कोई बात नहीं, सेम ही चीज़ है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2F1। सो कन्फ्यूज़न यहाँ से क्रिएट नहीं होना चाहिए। एंड सिमिलरली F2 और C2 की जगह हम 2F2 भी लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब रे डायग्राम बनवाया जाता है तो ये लिखा जाता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, इट मींस दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो साइन कन्वेंशंस की हम बात करें तो ऑलवेज नोटेड दैट साइन कन्वेंशंस को हम ऑप्टिकल सेंटर C से मेजर करेंगे। जो भी साइन कन्वेंशंस सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के लेफ्ट में जो भी ऑब्जेक्ट रखा है हम उसको नेगेटिव लेके चलेंगे, और राइट में जो भी चीज़ें होंगी उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड हो, इरेक्ट पोजीशन में हो ऑब्जेक्ट या इमेज, उस केस में हम उसकी हाइट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इमेज इन्वर्टेड हो इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस केस में हम उसकी हाइट को नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। अगर हम कनकेव और कन्वेक्स लेंस के फोकस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस के केस में यू हैव टू सी दैट दिस इज़ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग मीडियम जहाँ से लाइट रे आएगी और पास आउट होगी। सो फर्स्ट इस मीडियम को देखें तो ये पहला स्फीयर बन गया उस केस में, और इसके स्फीयर बनने के केस में इट मींस दैट कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर लाई कर रहा है इसका फोकस, फर्स्ट फोकस। तो इस केस में हम फोकस को पॉजिटिव लेके चलेंगे, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेके चलेंगे कन्वेक्स लेंस के केस में। बट इन केस ऑफ कनकेव लेंस दिस इज़ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग मीडियम जहाँ से लाइट रे पास आउट होनी है, विच लाइज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स इस केस में जो हमारे पास फोकल लेंथ होगी विच इज़ नेगेटिव। एंड कनकेव लेंस इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस एंड कन्वेक्स लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। सो कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और कन्वेक्स लेंस के केस में हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, जो कि रिवर्स है मिरर्स का। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ लेंसेज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लेंस मेकर फॉर्मूला।